आज मैं एक नया वर्ड बताने वाला हूँ, क्रोनोबायोलॉजी। क्रोनोलॉजी सुना होगा आपने, क्रोनोलॉजी समझिए आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, टाइम प्रोसेस की स्टडी। बायोलॉजी सुना होगा आपने, बायोलॉजिकल नहीं हूं, स्टडी ऑफ लाइफ साइंसेस। क्रोनोबायोलॉजी का मतलब है कि जो भी लिविंग चीजें हैं उन सब के अंदर एक टाइम की घड़ी होती है और इस घड़ी के अनुसार हमारे बॉडी की बहुत सारे एक्टिविटीज होती है और इसकी स्टडी को बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। जैसे सिरकेडियन रिदम है कि हम दिन में जागते हैं रात में सोते हैं, डायर्नल एनिमल्स ऐसा करते हैं और नॉकचर्नल एनिमल्स होते हैं जो कि रात में एक्टिव होते हैं ज़्यादा और दिन में सोते हैं, जैसे शिकारी जानवर शेर वगैरह। क्रिपस्कुलर जानवर होते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि डॉन और डस्क के टाइम यानी कि सुबह भोर में और शाम के समय एक्टिव होते हैं, जैसे कुछ बैट्स हैं, कुछ मच्छर हैं जो उसी टाइम एक्टिवेट होते हैं। तो ये सारी साइकिल्स डे के हिसाब से। कुछ साइकिल्स इंफ्राडियन होती है यानी कि एक दिन से ज़्यादा लंबी होती हैं, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, साइबेरियन बर्ड्स साल में एक बार आती है विंटर्स में। इंसानों में भी कुछ साइकिल्स होती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, पीरियड्स एक दिन से ज़्यादा लंबे 28 दिनों की साइकिल होती है। कुछ साइकिल अल्ट्राडियन होती है यानी कि एक दिन से छोटी, जैसे कि रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है हमारी जिसमें हम सपने देखते हैं, 90 मिनट की साइकिल होती है। ऐसे ही नेजल साइकिल होती है, नाक में एक तरफ से सांस लेते हैं हम 4 घंटे, दूसरी तरफ से लेते हैं 4 घंटे। और ये सब कैसे डिसाइड होता है, इस सारी चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। और ये ह्यूमंस में नहीं, एनिमल्स में भी होता है, और एनिमल्स में ही नहीं प्लांट्स में भी होता है। हम देखते हैं कि किसी मौसम में फूल ज़्यादा लगते हैं, किसी मौसम में पत्तियों का कलर चेंज होता है। और अगर उससे भी ज़्यादा प्रिमिटिव एनिमल्स में जाए तो क्या बैक्टीरिया फंगस जैसे प्लांट से भी ज़्यादा प्रिमिटिव एनिमल्स में भी सिर्कैडियन रिदम होती है, होती हैं। और अगर होती हैं तो उसके लिए कौन से जीन्स और कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं, इन सारी चीज़ों की स्टडी को बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। लिविंग बींग्स के अंदर घड़ी की स्टडी, और हमारे अंदर वो कौन सी सेल्स हैं, वो कौन से पिगमेंट्स हैं जो इस घड़ी को चलाते हैं, है ना इंटरेस्टिंग। क्रोनोलॉजी, बायोलॉजी, क्रोनोबायोलॉजी। किसी को दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। एक तो कोई लड़का हाथ उठा रहा है, कौन हाथ उठाया? अरे नहीं, हाथ नहीं उठाया बेचारा, इसे शॉर्ट सही कर रहा था वो, ऐसे ऐसे।